हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बताऊं? अब तो ये हाल है कि हमें नहाने से भी डर लगने लगा है। नहीं नहीं, आप ये मत समझना कि मैंने नहाना बंद कर दिया है, वो तो बस ऐसे ही डर लगने लगा है। जिस तरह से लोग नए नए तरीके ढूंढते जा रहे हैं खून करने के, उससे तो लगता है कि कुछ ही दिनों में ऐसी कोई चीज बचेगी नहीं जिससे खून नहीं किया गया हो। ऐसा ही केस हमारे पास आया। इस केस में हमारे होश उड़ गए और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया हमारा डर भी बढ़ता गया, क्योंकि खून एक ऐसी चीज से किया जा रहा था कि किसी बाथरूम को भी देख ले तो हमारे होश उड़ जाते थे। पानी, खून पानी से हो रहा है, वो भी गरम गरम पानी से। देखो मौसम कितना सुहाना लग रहा है ना। सुहाना है? मुझे तो नहीं दिख रहा। ओह गॉड, तुम तो जरा भी रोमांटिक नहीं हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं, तितलियां डांस कर रही हैं और भवरे भवरे गाते हुए सुनाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि तुम्हें रोमांस नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती है। बचाओ! ओह नो! ये लड़की तो डूब रही है। बचाओ! बचाओ! थैंक्स, आप नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मेरा फर्ज था। इसकी जगह कोई आदमी होता तो क्या तुम भागते इतनी तेज बचाने के लिए उसको? रिलैक्स डार्लिंग, मुझे सोनाबाद के लिए देर हो रही है। लेकिन जल्दी आना, देर मत करना। मैं बस यूं गया और यूं आया। हेलो, हाँ सुनो, अजय इस टीम के लिए जा चुका है। क्या हो गया भाई? यहाँ भी लाइन, इस टीम बात के बाहर भी लाइन। टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ गया क्या? अरे यार बड़ा अजीब आदमी है, पता नहीं क्या कर रहा है, ना बाहर आता है ना जवाब देता है। हाँ यार, कॉफी जैसे नॉक कर रहा हूँ, दरवाजा नहीं खोल रहा। अच्छा बॉस, देखिए जरा, क्या लगता है कोई आदमी बंद हो गया अंदर? आइए आइए, आप आइए। ओ गॉड, ये कैसे हो गया? किसने बढ़ा दिया इतना टेम्परेचर? अरे इतने टेम्परेचर में तो ये आदमी उबल गया होगा। ओ गॉड, कहीं मर ना गया होगा। कौन है ये आदमी, आपको कुछ पता है? ये उज्ज्वल है सर, अक्सर आते जाते रहते थे हमारे होटल में। ये आपके होटल में ठहरा हुआ था क्या? नहीं सर, हमारे होटल का जो स्पोर्ट्स क्लब है उसका मेंबर था ये। अच्छा अच्छा, ये लाश, ये दरवाजे के बिल्कुल पीछे चिपक गई थी। हाँ सर, इसलिए दरवाजा आसानी से नहीं खुल रहा था। दरवाजे के पास बैठे बैठे मर गया होगा। ये स्टीम रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ कैसे गया था अचानक? पता नहीं सर, मैं तो खुद हैरान हूँ इतना टेम्परेचर देखकर। तुम्हारे होटल के स्टीम रूम में एक आदमी मर जाता है क्योंकि स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, और तुम कहते हो कि पता नहीं है? सर खून। सर पे घाव है सर, चोट लगी। सर ऐसा लगता है इस आदमी के सिर पे मारा होगा, उसके बाद इसकी बॉडी को यहाँ पे लाके डाल दिया, फिर स्टीम रूम का टेम्परेचर बढ़ा के खून कर दिया इसका। ये क्या है, जूते का निशान कैसे है? पता नहीं कहाँ से आ गया सर, हम तो यहाँ जिम में किसी गंदे जूते वाले को आने ही नहीं देते हैं। हो सकता है ये खूनी के जूते का निशान हो। रिडिक्स, जूते के निशान को अच्छी तरह से उठाओ, पूरा का पूरा इसके अंदर जो भी कचरा है उसके साथ, और सब फोरेंसिक लैब में भेज दो। ये सर। ये स्टीम रूम खुलता कब है? सर सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे, सर लगता है खूनी
रात में आके छुप गया होगा यहाँ पे। हाँ सर, तभी तो उसे किसी ने देखा नहीं। इसका मतलब है कि खूनी एक ऐसा आदमी है जो अच्छी तरह से जानता था कि उज्जवल अक्सर यहाँ आता था। हाँ तारिका, कुछ मिला इसमें? सर ये जूतों का प्रिंट जो सीआईडी ऑफिसर्स लेके आए हैं, इनमें दुनिया भर की चीजें लगी हुई है। अच्छा, क्या क्या लगा हुआ? इनमें 5 तरह के ऑयल मिले हुए हैं। मतलब ये देखिए, ये है 5वां ऑयल। यस, 5-5 ऑयल। कमाल है तारिका, मतलब ये आदमी तरह तरह के ऑयल्स में डांस किया करता होगा क्या? आज तो फोरेंसिक लैब का माहौल बड़ा ही खुशनुमा है। लगता है डॉक्टर सालुंखे के मुंह से भी कोई जोक निकला है। अभिजीत साहब, जोक निकला था लेकिन अब वो जोक मैंने वापस ले लिया। ये देखो बाबा, उज्जवल के सर पे किसी ने डंडे से वार किया। गांव क्योंकि लंबा है इसलिए लगता है कि रॉड से ही मारा गया, शायद लोहे की रॉड। ये देखो, यहां देखो, और डंडे पर एक केमिकल लगा हुआ। पता चला कौन सा केमिकल है? हाँ, टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन? वो जो फर्नीचर के पॉलिशिंग में काम आता है, वो सर को सूंघने से ही पता लगता है। तो हो सकता है आसपास कोई फर्नीचर को पॉलिश कर रहा, मगर ये डंडा मारने से ही मरा है। नहीं, मरा तो ये पानी से, गरम गरम पानी में जलने से पूरा शरीर जल गया। सिर पे मारने से बेहोश हो गया होगा, गरम गरम स्टीम लगती रही, इसे तो पता भी नहीं चला होगा कि इसकी मौत कब होगी। एग्जैक्टली, लगता है कि वो डंडा किसी ऐसी जगह रखा होगा जहाँ पे फर्नीचर का काम चल रहा होगा, शायद कोई फर्नीचर की दुकान में। लेकिन सर, खूनी के जूते का निशान तो कुछ और ही कह रहा है। सुनिए सर, क्या कह रहे हैं? सर अभी तक तो हम लोग यही सुनते आए थे कि डॉक्टर सालुंखे मुर्दे के मुंह से सच निकलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर तारिका ने जूतों के निशान से ही कुछ पूछ लिया है। ना टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है, सुन लो क्या कह रहे हैं। ये सर सुनना जरूरी है। हाँ डॉक्टर तारिका। सर ये सब निकला है उस जूते के निशान में से, थोड़े से घास के टुकड़े, थोड़ा नमक जैसे समुद्र के पास मिलता है, थोड़ी मिट्टी, थोड़ा कोयला और 5 तरह के ऑयल मिले। 5 तरह का ऑयल? जी सर, अभी तक 5 तरह के ऑयल टेस्ट कर चुके हैं। फैंटास्टिक, गुड वर्क तारिका, वेरी गुड वर्क, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। सर ये जो ऑयल लगा हुआ था इस आदमी के जूते पे, 5 तरह का ऑयल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी शायद किसी गोडाउन में खड़ा होगा, किसी ऑयल के गोडाउन में गया होगा जहां तरह तरह के ऑयल मिलते होंगे? सर तेल के साथ साथ नमक मिला है, तो हो सकता है ये गोडाउन समुद्र के आसपास ही हो। लावण्या। यस सर। उज्जवल के घर पर खबर कर दी है? फोन किया था सर पर किसी ने उठाया नहीं। फोन उठाया नहीं? ठीक है, तू उसके घर जाकर देखो, देखो फोन क्यों नहीं उठा रहे। सर दरवाजा तोड़ दूं? तोड़ दो। हाँ। ये क्या मैडम, दरवाजा खोलने से पहले बताना तो तुमने था। आप ही तो अभी धक्का दे रहे थे, और कौन है और इस वक्त? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी। इस वक्त यहाँ पर? आप उज्जवल की पत्नी हैं? जी नहीं, मैं तो इस घर की देखभाल करती हूँ। ओह, एक्चुअली कल रात उज्जवल का खून हो गया है। क्या? जी हाँ। और कोई है यहाँ पे उज्जवल के परिवार में से? ये घर उज्जवल की पत्नी नीलांजला का है। अच्छा, तो अभी वो कहाँ है? उनका तो 1 साल पहले देहांत हो गया। नीलांजना की भी मौत हो चुकी है? जी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को तब में डुबो लिया था उन्होंने। पर उसने आत्महत्या क्यों की थी? बहुत परेशान रहती थी, कुछ हो गया था उन्हें, उनका इलाज भी चल रहा था। अच्छा, कुछ और बता सकती हैं आप नीलांजना और उज्जवल के बारे में? नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो सिर्फ इस घर की देखभाल करती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानती। ओके, तो अब ये घर किसको मिलेगा? घर
पता नहीं। रास्ते में कोयले की दुकान भी थी, आसपास और कोई गोडाउन तो है नहीं, तो शायद यही होना चाहिए। कि उस लड़की के जूते पे 5-6 तरह के ऑयल लगे थे ना, यहाँ पे ड्रम्स रखे हुए, देखते हैं इसमें क्या है। फिसलन बहुत है यहाँ। अभिजीत जरा जूता दिखा। लगता तो कुछ वही है। किसी लड़की के ड्रेस का कपड़ा लगता है। ये क्या? कोई चमड़ी लग रही है क्या इंसान की खाल? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की सर, मुझे यहाँ से खर्राटे की आवाजें सुनाई दे रही थी। तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। पर हो कौन तुम? हैं? दिनकर यहाँ काम करता हूँ, लेकिन आप लोग कौन है साहब? हेलो, सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन साहब आप लोग यहाँ? उज्जवल को जानते हो? उज्जवल? नहीं साहब, कौन है ये? उसका खून हो गया है। नहीं 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 साहब, उज्जवल नाम का कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करता साहब। ये देखो, इसे पहचानते हो? ये किसी लड़की की ड्रेस का टुकड़ा है और ये इंसान की खाल हमें यहाँ मिली है। कैसे है यहाँ पे? हाँ, लेकिन ये यहाँ कैसे साहब? हम भी यही पूछ रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है साहब? इस तरह के कपड़े तो मोनिका मैडम पहनती है। मोनिका मैडम? ये कौन है? मोनिका मैडम मालकिन है यहाँ की, पलीन इंडस्ट्रीज की। ये गोडाउन भी उन्हीं का है साहब। मोनिका मैडम? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? शायद उज्जवल के खून में इस मोनिका का भी हाथ हो सकता है, इसीलिए डर के बैठी है। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रेडी लावण्य, तुम लोग जरा पीछे की तरफ जाके देखो कोई दरवाजा है क्या। ये बदबू कैसी आ रही है? पता नहीं, शायद इस तरफ से आ रही है। यहाँ ऊपर से? My God! दोनों के दोनों डीएनए मैच होते हैं। दोनों के दोनों मतलब एक तो इस लाश के जो हमें जली हुई मिली और दूसरा उस खाल का है जो आपको तेल के गोडाउन में से मिली। दोनों एक ही हैं? जी हाँ। मतलब वो खाल का टुकड़ा जो हमें उस तेल के गोडाउन से मिला वो इसी लड़की का है? जी हाँ। तो ये कैसे हो सकता है, ये लड़की मरी अपने घर में और इसकी खाल का टुकड़ा मिला वहाँ गोडाउन में? अब ये तो या तो आप बता सकते हैं या फिर ऊपर वाला जान सकता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस लड़की को मरे हुए लगभग 18 घंटे हो चुके। फिर भी सर ये बात आपके दिमाग में भी तो आई होगी ना कि ये लड़की मरी है अपने घर में करंट से, तो फिर इसकी खाल का टुकड़ा वहाँ कैसे पहुँच गया गोडाउन में? अभिजीत साहब, ये लड़की करंट से मरी ही नहीं है। तो फिर? ये लड़की पानी से मरी है। पानी से? जी हाँ, पानी से। कानून की इस लड़की को पानी में करंट लगा कैसे?
कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इसके मरने के बाद इसकी लाश को घर ले जाकर वहां करंट लगवा दिया? इस लड़की के फेफड़ों में से हमें पानी मिला है। फेफड़ों में पानी? जी हाँ। और इतना ही नहीं, फेफड़े अंदर से बुरी तरह से जल चुके हैं, इसका मतलब पानी गर्म होगा। माय गॉड, इतनी दर्दनाक मौत। और सर, इसके फेफड़ों में से पानी के साथ हमें थोड़ा तेल भी मिला। तेल? ये वही तेल है जो हमें वहां मिला? ये वही तेल है जो हमें उस जूते के प्रिंट से मिला, ऑटोमोबाइल ऑयल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कपड़ों पर से हमें टर्पेंटाइन भी मिला है। टर्पेंटाइन? वो फर्नीचर वाला? सर, ऐसा लगता है कि उज्जवल और मोनिका का खूनी एक ही आदमी है। सर, मोनिका के फेफड़ों में पानी मिला है, ये तो तभी हो सकता है जब कोई पानी में डूब कर मरता है। सर, जिस ड्रम के ऊपर इस लड़की की खाल चिपकी हुई थी, उस ड्रम के अंदर शायद ऑयल लगा होगा और इस लड़की को उस ड्रम के अंदर बंद करके रखा होगा। हाँ, यस। और फिर उस ड्रम में गर्म पानी डाला गया। अभिजीत, इन दोनों खून का संबंध उस गोडाउन से ही है। उस गोडाउन को फिर से अच्छी तरह से चेक करना होगा, वहीं पे छिपा है इसका राज। सर, कुछ पता चला उस कपड़े के बारे में? हाँ, पता चल गया। उधर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, समझे? पेड़ी, ध्यान रखो इस पे। ये ड्रम सर, यहाँ पे लगा था कपड़ा। सर, यहाँ पे? सर, अंदर भी तो देखा था ना झापका? हाँ सर, देखा था, पर अंदाजा नहीं था कि खून हो जाएगा यहाँ पे। वो क्या है, देखो जरा अभी। कपड़े का टुकड़ा, ये तो वैसा ही टुकड़ा जैसे हमें पहले मिल चुका है। वैसे बिल्कुल वैसा ही कपड़ा है। तो इसका मतलब है अभिजीत, मोनिका का खून इसी ड्रम में हुआ है। इसी ड्रम में गर्म पानी डालकर उसे मारा गया है। अगर हमने मान लिया कि मोनिका का खून इस ड्रम में हुआ है, तो उसके जले हुए खाल के टुकड़े भी तो और मिलने चाहिए। लगता है खाल का ही टुकड़ा है। सर, खाली है। यहीं पर मरी है मोनिका, इसी ड्रम में। मैं तो इंसान के खाल का टुकड़ा तेल के ड्रम में क्या करता? अभिजीत, वाइफ, लगता है गर्म पानी इसी पाइप से डाला गया है। अभिजीत, अरेस्ट करो इस दिनकर के बच्चे को। देखो दिनकर, यहाँ इस गोडाउन में मोनिका का खून हुआ है, एक ड्रम के अंदर, और उसके बाद उसकी लाश को यहाँ से ले जाया गया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कुछ देखा ना। सर, उस वक्त ड्यूटी पर मैं नहीं था, दूसरा आदमी था। सर, उसकी टांग टूट गई तो मैं ड्यूटी पर आया सर यहाँ पर। टांग टूट गई थी? कब टांग टूटी थी? सर, मेरे आने से कुछ घंटे पहले। क्या नाम क्या है उसका? सर, उसका नाम मनु है सर। मनु? अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मोनिका मैडम का खून हो गया है। इतनी अच्छी थी वो। काफी दिनों से परेशान थी मोनिका मैडम, न जाने क्यों खोई खोई सी रहती थी। उसने आपको कभी बताया कि वो परेशान क्यों थी? नहीं। कुछ अंदाजा है ये खून कौन कर सकता है? यानी किसी पे शक या किसी के साथ उनकी दुश्मनी थी? एक आदमी है तो सही। कौन है? जी, उज्जवल। उज्जवल? जी हाँ, एक नंबर का 420 आदमी है वो। पहले तो उसने उस बेचारी लड़की से धोखे से शादी कर ली, और फिर जब वो मर गई तो आ गया भाग के और उसकी सारी जायदाद का मालिक बन गया। किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? नीलांजना की? हाँ, मगर आप कैसे जानती नीलांजना को? तुम ये बताओ कि ये मोनिका कैसे जानती थी उज्जवल को? नीलांजना के दाड़ी का नाम दिवेन था, और मोनिका मैडम और दिवेन सर अच्छे बिजनेस पार्टनर थे, सारा बिजनेस उन्हीं का था। लेकिन जब दिवेन सर की डेथ हो गई और नीलांजना मैडम की भी डेथ हो गई, तो उज्जवल ने सारा बिजनेस हड़पने की कोशिश की, पर मोनिका मैडम ने इसे होने नहीं दिया। ओह, तो ये बात है। ये
ये फोटो किसकी है? ये यही तो है देवेंद्र सर। ये वाली फोटो तो निलंजन और उज्जवल के घर पर भी थी। सर मुझे तो लगता है कि इस उज्जवल ने ही मोनिका मैडम का खून किया होगा, क्योंकि मैडम के मरने के बाद तो सारा बिजनेस अपने आप ही उज्जवल का हो जाएगा। नहीं, उज्जवल ने नहीं मारा मोनिका को। ये आप क्या कह रहे हैं? उज्जवल मर चुका है, उसका खून हो गया है और उसकी मौत मोनिका की मौत से पहले हो चुकी है। क्या? हाँ, ये कोई और ही है जो ये सब खून कर रहा है। लेकिन कौन? वही पता लगाने आए हैं कि कौन है वो। आओ जी। क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। लगता है घर खाली है। फ्रेडरिक्स, जरा टॉर्चेस लेकर आओ, घर को अच्छी तरह से चेक करते हैं। ये रहा। कहीं मर तो नहीं गया? देखो जरा, आज तक तो लाशें मिल रही हैं हमको। हट हट। और भागो यहां से। मनो, हट। अबे हट हट। बहुत पी रखी है इसने। साहब वो चोट लगी है साहब, बहुत दर्द हो रहा था ना साहब, इसलिए थोड़ी सी पी ली है साहब। अच्छा अभिजीत, देखो जरा कहाँ चोट लगी है इसे। कहाँ चोट लगी? देखा, बैठ बैठ, देखा पैर पर का। सब चोट लगे साहब। कहाँ चोट? कहाँ है? हैं चोट? दरअसल यहाँ लगी साहब, यहाँ लगी। देखा देखा, ये देखिए, ये देखिए साहब, ये देखिए। दर्द उस पैर में हो रहा है और बैंडेज इस पैर में लगवाया है। तेरा इलाज मैं करता हूँ। सब को माफ कर दो साहब, पैसों के लालच में अंधा हो गया था सब। हट हट हट। तुमने किया ना मोनिका का खून? नहीं, मैंने तो सिर्फ मदद की थी साहब। कैसी मदद? मैंने मोनिका जी को फोन करके कहा था कि गोडाउन में आग लग गया और वो भागते भागते आई थी साहब। और फिर? और फिर मैंने उन्हें बेहोश कर दिया क्लोरोफॉर्म सुंघा के। फिर? और फिर वो आ गया। वो कौन? मैनेजर। मोनिका का मैनेजर? हाँ सर। वही जो उस दिन कह रहा था कि मोनिका एक भली औरत है। लावण्या, जरा पता करो ये मैनेजर इस वक्त ऑफिस में है कि नहीं। यस सर। और तुम, मोनिका ने तुम्हें नौकरी दी और तुमने उसी की जान ले ली हैं? फ्रेडी, अब आपने मुझे बुलाया सर? और किसका नाम है फ्रेडी यहाँ पे? है तो मेरा ही सर, लेकिन मैंने सोचा कि छोटा मोटा काम है तो आप लोग निपटा लेंगे। छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। लेके जाओ इसे। अच्छा चल चल। बोतल क्रिकेट का आदमी तू, चलो। सर मैनेजर ऑफिस में नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब गए हैं। स्पोर्ट्स क्लब गया है? देख हम लोग स्पोर्ट्स क्लब चलते हैं। और अभिजीत, तुम इस आदिसी से दोबारा मिलो, देखो मोनिका और उज्जवल के मौत से किसका फायदा होने वाला है। अरे आइए आइए आइए। पता चला उज्जवल का खून किसने किया? नहीं, अभी उज्जवल के खूनी का तो पता नहीं चला है। एक और मुसीबत आ गई है। कौन मुसीबत? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअली एक खून और हो गया है। एक और खून? किसका? मोनिका का। मोनिका? हाँ, मोनिका को तो जानती है ना, देवेन के बिजनेस पार्टनर थी वो। हाँ, नाम तो कई बार सुना है लेकिन मैं कभी मिली नहीं उनसे। आपने हमें उस दिन क्यों नहीं बताया निलंजना के पिता देवेन के बारे में? शायद दिमाग से निकल गया होगा। खैर, ये देवेन के साथ आखिर हुआ क्या था? एक साल पहले उनकी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया था उनका। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? वो लोग घूमने गए थे, शिप के ऊपर थे, पानी में गिर गए और डूबकर मौत हो गई। आई सी। अच्छा, देवेन और निलंजना की मौत के बाद ये उनका सारा पैसा किसे मिलेगा? पैसा तो उज्जवल या
मोनिका को ही मिलता ना। पर अब ये दोनों भी नहीं रहे तो अब किसे मिलेगा? कोई और है क्या इनके परिवार? सारा पैसा दरअसल रेवा, रेवा है। रेवा, ये कौन है? वो देवेन जी की पहली पत्नी। डिवोर्स हो गया था उनका, देवेन जी ने ही तलाक दिया था। कहाँ रहती, कहाँ ये रेवा जी? वो जुहू में रहती है, लेकिन आप मेरा नाम मत लीजिएगा प्लीज। बहुत खतरनाक औरत है वो कुछ भी कर सकती है। रेवा, ये रहा मैनेजर पानी में। लेकिन सर ये हिल क्यों नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अदया, देखो जरा, निकलो इसे बाहर। बेटे, देखो जरा आसपास कोई है क्या? संभल के। नहीं सर, लगता हमारे आने के कुछ सेकंड पहले इस पे अटैक हुआ है। सर, हाँ। आसपास तो कोई दिख नहीं रहा। ठीक है फ्रेडरिक्स, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। लगता है खूनी को इस मैनेजर से कुछ खतरा होगा, तभी उसने सोचा कि इसे रास्ते से हटा देते हैं। इसका मतलब है दया, कोई और भी है जो ये खून इस मैनेजर से करवा रहा था, कि कौन हो सकता है? वो पुणे वाली प्रॉपर्टी की डील 15 दिन में हो जानी चाहिए फाइनल, लेकिन 15 डेज एनी हाउ इट शुड हैपन। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। तुम जाओ, मैं बाद में बुलाती हूँ। ये साहब कौन है? वो मेरा सीए है, कोई प्रॉपर्टी की डील के डिस्कशन के लिए आया था। लेकिन आप लोग यहाँ? दो दो खून हो गए हैं रेवा जी। खून किसके, कहाँ पर? पानी में। पानी में? जी हाँ, पानी में। कोई पानी से मार रहा है। एक तो उज्जवल का खून हो चुका है। उज्जवल, क्या कहा आपने? नीलांजना का पति उज्जवल? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। आपका दामाद है तो अच्छी तरह से जानती होंगी उसे। नीलांजना मेरी सगी बेटी नहीं है। ओ, तो सौतेला दामाद था कहीं, इसीलिए तो नहीं आपने उसका खून? एक्सक्यूज मी, और दूसरा खून हुआ है मोनिका का, वो तो आपके पति देवेन की पार्टनर थी। देवेन को मुझसे अलग हुए काफी साल हो गए हैं। जी हाँ, ये हमें पता है। तो फिर दोनों के दोनों मरने वालों को आप अच्छी तरह से जानती थी, और हमें शक है कि दोनों खून से आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया। मेम साहब, माफ कीजिए मेम साहब, आ जाने में थोड़ी देर हो गई। ठीक है, जाओ जाकर काम करो। ठीक। सर यहाँ आइए, ये देखिए, बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है कारपेंट्री का। ओहो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है टर्पेंटाइन की, सारे घर में फैली हुई है। टर्पेंटाइन? जी हाँ, टर्पेंटाइन। सभी लाशों के पास हमें टर्पेंटाइन मिला है। साहब, तलाशी लेनी पड़ेगी। अच्छी तरह से तलाशी ले लो, अच्छी तरह से। साहब, आ गया। ये देखिए, रॉड खून लगा हुआ है। सालुके साहब, वो जो रॉड मिली थी रेवा के घर में से, उसमें उंगलियों के निशान मिले हैं क्या? मिले हैं? किसके हैं? हाँ? अच्छा 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 अच्छा। और वो जो खून है वो किसका है? वो उज्ज्वल का है। ओके ओके। क्या रॉड पे भी वही केमिकल लगा हुआ है?
ओके ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। लीजिए रेवा जी, सब कुछ साफ हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध पानी? रेवा जी, याद है अभी अभी कुछ घंटों पहले की बात है, आपके घर में से हमें एक लोहे की रॉड मिली है, आयरन रॉड। मुझे नहीं पता वो मेरे घर में कैसे आ गया। अच्छा, तो आपने उसे पहले कभी नहीं देखा? नहीं। देखा नहीं होगा तो छुआ भी नहीं होगा, है ना? अरे मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। चमत्कार हो गया दया, जिस रॉड को रेवा जी ने कभी देखा नहीं है, कभी हाथ नहीं लगाया है, उस पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो रेवा जी के ही है। अच्छा, ये तो वाकई एक जबरदस्त मजाक है। उस रॉड पे जो खून लगा है वो उज्जवल का है। उज्जवल का खून किया गया उस रॉड से। उज्जवल को तो जानती है ना, वही जिसका खून हुआ, दामाद है आपका वो। जी हाँ। मारा क्यों उसे? मैंने किसी को नहीं मारा। अरे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देवेन का सारा पैसा, उसके करोड़ों की जायदाद उसके मरने के बाद उज्जवल को या तो मोनिका को मिलने वाली थी, और दोनों रास्ते से हट गए। अब तो अब वो सारे पैसे आपको मिलेंगे ना रेवा जी, है? मैं क्यों किसी का खून करूंगी? अरे मेरे पास तो देवेन से भी ज्यादा पैसे हैं। और तो और उस रॉड पे वही केमिकल लगा हुआ है जो उज्जवल के सिर में मिला है, जो फर्नीचर की पॉलिश में लगाया जाता है, और वही केमिकल हमें मोनिका की लाश के पास से मिला था, और वही केमिकल इस वक्त आपके घर में मौजूद है। अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि वो केमिकल है क्या। हेलो इंस्पेक्टर दया, क्या मैनेजर कुमा में चला गया? ओह माय गॉड, एक वही था जो कुछ बता सकता था। हाँ, केमिकल? कैसा केमिकल? ओके ओके ओके, ठीक है। या थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ दया? अब जी, मैनेजर कुमा में चला गया, पता नहीं बचेगा भी या नहीं। हैरानी की बात यह है कि उसके शरीर में भी वही केमिकल है, ये फर्नीचर वाला। अरे हो क्या रहा है, जहां देखो वही केमिकल। रेवा जी, बड़ी अजीब बात है, उसके शरीर में भी वही केमिकल है जो इस वक्त आपके घर में है। अब मुझे क्या पता, आप उन कारपेंटर से क्यों नहीं पूछते जो वो केमिकल घर में लेकर आए हैं। देखिए, उन्हें फंसाने की कोशिश मत कीजिए, देवेन के पैसे आपको मिलेंगे, खून इसीलिए हो रहे हैं। मैं पागल हूँ क्या कि मैं खून करूंगी और बाद में केमिकल भी इधर उधर छोड़ती फिरूंगी? अच्छा, अब ये कारपेंटर्स कब से हैं आपके घर में? दो तो एक महीने से काम कर रहे हैं, और तीसरा कुछ ही दिनों पहले आया है, शायद 14 जनवरी से। 14 जनवरी से? चलो अंदर, चलो उधर खड़े रहो। मेम साहब, मैं तो आपके घर में काम करता हूँ मेम साहब, मुझे क्यों फंसा रही मेम साहब? क्या नाम है तुम्हारा? श्याम साहब। और ये? मुकेश। और तुम? गोपाल। और 14 जनवरी को कौन आया था काम पे? मैं ही आया था साहब। अच्छा, रेडी? चलो अब तीनों लकड़ियां तुम लोग काटो, बिल्कुल सफाई के साथ। अपने हाथ दिखाओ। तुम दोनों अपने हाथ दिखाओ। ये देखो, ऐसा होता है एक कारपेंटर का हाथ, समझे? साहब इन लोगों को काम नहीं आता साहब, इनको रंधा पकड़ना नहीं आता साहब, इसके लिए इनके हाथ खराब है। अच्छा, ये दोनों गधे हैं और तू एक्सपर्ट है, हाँ? मुझे माफ कर दो साहब। साहब वो लोहे की रोड मैंने ही रखी थी रेवा जी के घर में। और वो केमिकल भी तुम्हीं ने रखा था ना तब की लाशों के पास? हाँ साहब, वो रेवा जी को फंसाने के लिए। उस दिन जब हम लोग घर में थे
तू वहां कैप पहन के आया था ना? हाँ, तेरे बाल उस वक्त गीले थे, मैनेजर को डुबा के आया था ना स्विमिंग पूल में? हाँ। बाकी वो फोन भी तुमने किए? हाँ, पैसे चाहिए थे मुझे उज्जवल को मारने के बाद मैनेजर की मदद की मोनिका को मारने में। क्या ये मैनेजर भी मिला हुआ था मोनिका के मर्डर में? हाँ, इसलिए मैनेजर को भी रास्ते से हटाया, लेकिन आप लोगों ने उसे बचा लिया। लेकिन मुझे फंसाने के लिए पैसे किसने दिए तुम्हें? कोई लड़की थी अंधेरे में, मैं उसे पहचान नहीं पाया। लड़की? कुछ याद है तुम्हें उसके बारे में? शायद उसके पैर में चोट थी, वो लंगड़ाकर चल रही थी। अदिति, 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 फ्रेडी, कमरे में देखो जल्दी। कोई फायदा नहीं है दया, उसको पता चल गया होगा हम लोग आने वाले हैं, भाग गई यहां से। सर, ये स्मोकिंग पाइप और शेविंग किट मिला है सर, ये तो आदिति का नहीं हो सकता, जरूर कोई आदमी रहता होगा यहाँ पे। सर ये देखिए, इतने महंगे कपड़े किसी आदमी के मिले हैं, जबकि यहाँ कोई आदमी रहता ही नहीं था, सिर्फ अदिति रहती थी। पर ये आदमी हो कौन सकता? ये तो अदिति ही बताएगी, उसके मोबाइल को ट्रेस करेंगे ना, पता चल जाएगा इस वक्त वो कहाँ पे। हेलो कंट्रोल रूम, देखा बैंक से सारा पैसा निकाल लिया है, भागने की तैयारी हो रही है। तो साथ में कोई आदमी भी है, उसका वेट कर रहा है। ये तो चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है सर, ये तो देवेन है सर। देवेन जिंदा है? जल्दी करो दया, पकड़ते हैं इसे। भाग कहाँ रहे हो तुम? हैं? बता के तो जाओ, मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए तुम? हैं? जिंदा है सर, हाथ पांव नहीं है। मरने का बहुत शौक है तुम्हें? देवेन तो मर चुका है, तो फिर ये कौन है? कहीं उसकी आत्मा तो नहीं? घबराओ मत, ये जिंदा है, मरा नहीं। तो वो जो शिप पर से गिरा था, वो मैं ही था। वो एक्सीडेंट में मैं मरा नहीं था। हुआ क्या था उस एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट नहीं था, मोनिका ने मुझे धक्का दिया था पानी में। शिप पर इतने सारे लोग थे कि किसी को पता भी नहीं चला कि मोनिका ने मुझे धक्का दिया था। मगर धक्का दिया क्यों उसने? वो चाहती थी मैं अपना सारा बिजनेस उससे बेच दूं, जो मुझे मंजूर नहीं था। मैं अपना सारा का सारा बिजनेस उससे क्यों बेचता? और बदला लेने के लिए तुमने उसका खून करवा दिया। उज्जवल से किस बात का बदला लिया तुमने? क्यों मारा तुमने उसे? वो मेरे बेटे नीलांजन को बहुत मारता था, पति के रूप में वो हैवान था, हैवान। अगर वो मेरी बेटी को इतना तंग नहीं करता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती, वो कभी आत्महत्या नहीं करती पानी में डूब कर। ओ, इसलिए तुमने सबको पानी से मारा? इसलिए मैंने सबका खून पानी से किया। इतने दिन तक नाटक क्यों किया तुमने मरे रहने का? मैं उज्जवल मोनिका से बदला लेना चाहता था, किसी को मुझ पर शक ना जाए, इसलिए मैंने सोचा मरे रहना ही अच्छा है। हमने सोचा था कि दोनों को मारकर हम रेवा को जेल भिजवा देंगे और फिर देवेन की इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाता और हम इंडिया छोड़कर चले जाते। मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जरा जेल का पानी भी चख लो।
कैसा होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।